नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट बारे। हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में जो वैकेंसी आई है 2213 SI और सर्जेंट की, उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथी, विज्ञप्ति जारी की है बिहार पुलिस ने 2213 SI वैकेंसी के लिए, और इसकी फुल डिटेल हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो employmentspoint.com भी देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2020। अगर हम बात करें इंपोर्टेंट डेट की, तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 16 अगस्त और लास्ट डेट है 24 सितम्बर। आप 24 सितम्बर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस जमा करने की लास्ट डेट है 24 सितम्बर। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 700 रुपये, SC ST के लिए है 400 रुपये। साथ ही जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनके लिए भी फीस है 700 रुपये। फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 1 जनवरी 2020 को आपकी काउंट होगी। मिनिमम एज है 20 साल, मैक्सिमम एज है 37 साल, वही फीमेल के लिए है 40 साल। अपर एज में रिलैक्सेशन एज पर रूल मिलेगा और बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो 37 साल तक ही फॉर्म भर सकते हैं। फीस उनको जनरल की जमा करानी होगी। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की आई है 1998, वही सर्जेंट की आई है 215। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। हाइट और चेस्ट की बात करें तो हाइट जनरल OBC मेल के लिए है 165 सेंटीमीटर, SST EBC के लिए है 160 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर और 48 किलोग्राम वेट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें जनरल OBC मेल के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी 81 सेंटीमीटर चेस्ट हो, 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो। वहीं SST के लिए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। SI के लिए और सर्जेंट के लिए बाकी सब चीज़ें सेम है, लेकिन जो फिजिकल है उसमें थोड़ा सा अंतर रखा गया है। रनिंग सेम रहेगी, 1 मील आपको यानी 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करेंगे मेल कैंडिडेट, वहीं 1 किलोमीटर कंप्लीट करेंगी 6 मिनट में फीमेल कैंडिडेट। हाई जंप 4 फीट की, लॉन्ग जंप 12 फीट की और गोला फेंक 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट फेंकना होगा SI के लिए, और 12 पाउंड गोला फेंकना होगा 10 फीट फीमेल कैंडिडेट को। 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी, 3 फीट की हाई जंप होगी। वहीं जो कैंडिडेट सर्जेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए हाई जंप होगी 4 फीट 6 इंच की मेल के लिए, 3 फीट की फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप 15 फीट की होगी मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी 9 फीट की। गोला फेंक आपको 16 पाउंड का गोला 20 फीट तक फेंकना होगा सर्जेंट के लिए, 10 फीट तक फेंकना होगा 12 पाउंड का गोला फीमेल के लिए। तो फिजिकल में इतना अंतर है, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटर्न एग्जाम यानी प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और फिजिकल के थ्रू रहने वाला है। जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें 2 चरण होंगे। पहला होगा आपका प्री एग्जाम, इसमें 200 नंबर का आपका पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कम से कम 30% नंबर आपको लाने होंगे और उसके बाद ही आपको मेन एग्जाम में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम जो होगा उसमें 2 पेपर होंगे। पहला होगा हिंदी का, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन होंगे, 30% नंबर आपको लाने होंगे। वहीं जो सेकेंड पेपर है वो होगा GK का और सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता का, 200 नंबर का ये रहने वाला है। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा और गलत के लिए 0.2 अंक इसमें काटे जाएंगे। और जो पहला पेपर है हिंदी वाला वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होगा। तो जो सेकंड पेपर है उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप www.bpssc.bih.nic.in पे जाके वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जनरल OBC EBC के लिए है 700 रुपये, SST के लिए 400 रुपये, अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए है 700 रुपये। और साथ ही इस भर्ती के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट से संबंधित लिंक मिल जाएंगे। साथ ही जो भी नई भर्तियां आई हुई हैं, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब हैं, उन सब के लिए आपको पूरी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। वेबसाइट है employmentspoint.com, आप इस वेबसाइट पर जाके बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं। साथियों, में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।